सभी सम्मानित अतिथिगण का स्वागत गीत के माध्यम से स्वागत करने का कार्य है। इस मेला में माननीय श्री दीपकदास बाबू जी का अध्यक्ष श्री बालकृष्ण शर्मा जी का मार्गदर्शन कर स्वागत अभिनंदन करें। उनसे भी आग्रह है कि हमारे चेयरमैन शेख कुरैशी जी का मार्गदर्शन कर स्वागत आग्रह है कि माननीय चेयरमैन शेख कुरैशी जी का मार्गदर्शन कर स्वागत अभिनंदन करने का कार्य करें। हमारे शिक्षक साथी श्री एक और शिक्षक साथी श्री दिनेश गुप्ता जी का मार्गदर्शन कर स्वागत अभिनंदन किया कर कुरैशी जी से आग्रह है आप ही आए और माननीय श्री दीपकदास जी आप ही आए और श्री दीपकदास बाबू जी और श्री बालकृष्ण शर्मा जी उन्होंने चाहिए हैं आपकी गुजर में आपके द्वारा विद्यालय संचालित किया जा रहा है। आपसे मेरा आग्रह है आप आए और माननीय श्री दीपकदास बाबू जी का मार्गदर्शन कर स्वागत स्वागत अभिनंदन करने का कार्य करें। हमारे साथी भाई निशांत जैन से मेरा आग्रह है कृपया आप भी आए। मैं डॉक्टर दीपक सैनी जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी आकर के मंदिर पर गेस्टपुर से संजय जी से मेरा अभिनव आग्रह कृपया मार्गदर्शन की वेला में माननीय श्री दीपकदास ठाकुर जी का मार्गदर्शन कर स्वागत अभिनंदन करने का कार्य करें। अंकित कामो जी धनौली खेड़ा आपसे भी हमारे साथी भाई मेहता बालन जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कृपया भी मंच पर आकर के मैं हमारे साथी भाई मेहता बालन जी से और हमारे चेयरमैन शेख कुरैशी जी का मार्गदर्शन कर स्वागत अभिनंदन करने का कार्य करें। श्री रविंद्र सिंह जी का मार्गदर्शन कर डॉक्टर सुशील कुमार ठाकुर जी का मार्गदर्शन कर स्वागत अभिनंदन स्वागत की वेला में सभी के साथ करने का मैं हार्दिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय एसएसआई महोदय श्री रविंद्र सिंह जी का विभूति लेकर के सम्मान और अभिनंदन करने का कार्य आपसे और आपका विभूति लेकर के सम्मान और अभिनंदन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद भारत के जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे उनकी सादगी उनके व्यक्तित्व उनके कर्तित्व को देखते हुए हम लोगों ने जो हमारे साथी रहे हैं उन लोगों ने सुझाव दिया था कि ग्रामीण अंचल में हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और उन्हीं के नाम से ये विद्यालय प्रारंभ हुआ। 7 मई को सन 1992 में इस विद्यालय को प्राइमरी सेक्शन की मान्यता मिली 8 तक की। उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती रही तो 1996 में हमें जूनियर हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई। हाई स्कूल की मान्यता मिली 2000 में। पहला बैच हमारा 2002 का निकला और पूरे प्रदेश का जो रिजल्ट था उस समय 46% था 2002 में। लेकिन जनपद के 21 विद्यालय ऐसे थे जिनका रिजल्ट 75% से ज़्यादा था। उन 21 विद्यालयों में हमारे विद्यालय का भी नाम आ गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम उसमें जो शामिल होंगे। आज ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक विद्यालय एवं नवजोत इंटर कॉलेज के 32वें स्थापना दिवस के समारोह में की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय हमारे बुजुर्ग हमारे सरपंच आदरणीय शर्मा जी, हमारे आदरणीय आरती चीफ गेस्ट मोहनवाद श्री राणा जी, ये भूमि के स्रोत से आप आज हमारे बीच पहुंचे हैं, हमारा सौभाग्य है। हमारे उपस्थित अभिभावक छात्र एवं शिक्षक जिनके द्वारा मेहनत करके इस स्कूल को इस मुकाम तक पहुंचाया गया है और जैसे श्री श्याम कुमार सैनी जी ने बताया कि 7 मई 1990 से उन्होंने किस प्रकार संघर्ष कर इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाया है। साइंस बैकग्राउंड के साथ से मैंने
का 32वां साल आज हमारे ध्यान में हो। मैं तो ये दुआ है गुरु जी से आगे और बढ़े और धन्यवाद देना चाहूंगा। बधाई के पात्र हैं कल 32वां स्थापना दिवस हमारे स्कूल का यहाँ मनाया जा रहा है। तो बच्चों हमारे स्कूल में जोर से तालियां दो, जोर से बहुत बढ़िया थी। और देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, हमारे प्रोफेसर हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे कि नाउ द टेबल्स हैव टर्न, मतलब मेज बदल चुकी है। जो उधर सुनने वाले थे वो बोलने वाले बन गए और जो बोलने वाले थे वो सुनने वाले बन गए। हम सभी शायद अपने जीवन में वही करते थे, आज वहां से उठ के यहाँ तक पहुंचे। इसमें हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत सहयोग है और जीवन के एक एक रक्त के कतरे का अगर मैं अर्पण कर दूं तो गुरु का मैं
मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके उपरांत आप सभी माननीय प्रकाश ठाकुर जी डायरेक्टर देवभूमि ग्रुप ऑफ कॉलेज सर्वप्रथम गौरव रहे के आपका अभिनंदन और ये सम्मान प्रतीक के लिए मोमेंट को जो आपको नवजीवन मिश्र कॉलेज की याद दिलाएगा आप आपकी डेस्क पर रह करके ये सम्मान प्रतीक के लिए एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रकाश ठाकुर जी के लिए Thank you.